इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। अच्छा, एक आईडी एसएमएस वारसी फैन पेज। सवाल ये है कि अगर कोई तन्हा लेडीज हो, लेडी हो, और वो बच्ची को गोद लेना चाहे तो उसमें क्या क्या मामलात का ध्यान रखना चाहिए। असल में गोद लेने के ताल्लुक से सबसे पहले ये है कि अगर कोई ऐसा कपल किसी बच्चे को गोद लेता है कि जिनके, क्योंकि इसमें सूरतें ही आती हैं कि किसी के औलादों में सिर्फ लड़के होते हैं तो वो लड़के को गोद लेना चाहते हैं, तो इन बातों में इनको ख्याल ये रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो बच्चे की ज़ात होगी यानी कास्ट होगी वो वही रहेगी, और उसको बताने में या लिखवाने में हमेशा वही कास्ट इस्तेमाल होगी जो उसकी ओरिजिनल है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा है उसका सर यानी उसकी कास्ट जो है वो खान है, और जिसने गोद लिया वो सैयद है, तो अब उसके वो है नसब सैयद नहीं हो सकता। तो इस तरह नसब में तब्दीली नहीं हो सकती। पहली चीज़ ये है, अगर वो खान है तो उसके नाम के आगे खान अगर ज़रूरत है तो लिखे, नहीं ज़रूरत है तो कास्ट लिखना बताना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस तरह से जो है वो कास्ट को या नसब को तब्दील नहीं हो सकता। तो नसब जो है हमारे कास्ट के साथ ही ताल्लुक़ होती है अक्सर, या हिंद में पाक में तो यही मामला है कि जो हमारी कास्ट होती है वो काम से ज़्यादा नसब की तरफ निस्बत दिलाती है। बाज़ लोगों का काम की वजह से भी कुछ सरनेम पड़ जाता है, लेकिन जब कास्ट की बात आती है तो वो वही रहेगा कि जिस सिलसिले या घराने से वालिद होंगे, अगर वो खान होंगे, अंसारी होंगे, सैयद होंगे, तो वही उनकी औलाद होगी। तो जिस औलाद को गोद लिया जाएगा, एक तो उसकी कास्ट वही रहेगी जो उसके असली वालिद की थी। दूसरा, ऐसी चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो फॉर्म वगैरह उसमें भरे जाएँ या कहीं डॉक्यूमेंट्री हो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में जब बच्चे के नाम लिखाए जाएँ तो गोद लेने वाला वालिद और वालिदा की जगह अपना नाम नहीं लिखवा सकते, बल्कि सरपरस्त के कॉलम में उनका नाम लिखवाएंगे, और वालिद और वालिदा के कॉलम में असल वालिद का नाम अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिखवाएँ, वरना उसका कॉलम रहने दें। तो कहीं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐसा ना हो कि बच्चा जिसने गोद लिया उसको अपना असली बाप समझता रहे। ताउम्र ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस्म से ये बड़े होने के बाद उसको धोखा भी होगा, तो उसको ये चीज़ वाजे हो जाए वक्त के साथ, ज़रूरत हो तो ठीक वरना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धोखा ना हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, चाहे वो शादी कार्ड हो या आधार कार्ड हो या कोई दूसरा उसके आईडी प्रूफ हो, तो उसके अंदर वालिद के नाम या वालिदा के नाम पे उसका असल नाम हो, और गोद लेने वाले का सरपरस्त में नाम हो सकता है या सरपरस्त का भी एक कॉलम होता है, तो उसके अंदर जो है ना वहाँ उसका नाम लिखवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा कपल कोई गोद लेता है, मसलन जिनके औलादों में सिर्फ बेटियां हैं, अब वो किसी अपने रिश्तेदारों में से बेटा गोद ले लेते हैं, बहुत सी जगह ऐसा मामला देखा गया है, तो उसके अंदर जो है ना दूध पिलाने का मामला की जो है वो कैद लगाई जाए। मिसाल के तौर पे किसी के बेटियां हैं और अब औरत फिर दोबारा हमल से, और उसके अगली फिर से बेटी हुई, तो अब बेटी हुई है तो ये दूध पिलाने की मुद्दत में किसी को अगर दूसरे को गोद ले, तो 2 साल के अंदर अगर कोई ऐसा लड़का है कि जो छोटेपन में उसको गोद लिया गया तो उसको जो है ना दूध पिला दे, और अगर ये दूध नहीं पिलाती औरत, यानी किसी औरत ने बेटे को, लड़के को गोद लिया और ये दूध नहीं पिलाती, तो फिर उस बच्चे के इस की लड़कियों से आपस में पर्दे के मामले जो है वो रहेंगे। और क्योंकि जब एक घर में एज ए बहन भाई ब्रदर सिस्टर लोग रहेंगे तो वहाँ पर्दे के अहकाम को जो है ना पामाल किया ही जाना है, और ला इल्मी में या बेख्याली में वहाँ पर्दे के मामलात जो है वो रहेंगे, तो उसमें बंदे जो है ना गुनाहगार रहेगा। फिर अगर सूरत ऐसी है कि किसी के लड़के हैं और वो लड़की गोद लेता, तो फिर आपस में पर्दे का मामला रहेगा। तो गोद लेने में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि पर्दे के मामले ख़त्म करने के लिए फिर ऐसा सिस्टम किया जाए कि दूध का इंतज़ाम किया जाए कि वो औरत दूध पिलाए बच्चे को, ताकि वो दूध शरीक बहन भाई कहलाए जा सके। और अगर ऐसा है कि जो औरत है यानी किसी के कपल नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर लड़की को गोद लेना चाहे, यानी लड़की गोद लेना चाहे, तो इसमें ख्याल रखना चाहिए कि फिर जो औरत है वो अपनी बहन के बेटी को या बेटे को गोद ले। अगर बेटे को गोद लेना चाहे तो औरत जो है अपनी बहन के बेटे को गोद ले, ताकि इस लड़के का इस औरत के साथ कोई पर्दे वाला मामला ना रहे, क्योंकि इसकी खाला हो जाएंगी और खाला से निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। तो ऐसी सूरत में इसका मामला इस तरह से आसान हो जाएगा। और अगर लड़की गोद लेने की बात आए, यानी ऐसे कपल के लिए कि जिनके औलाद नहीं है, तो वो लड़की गोद ले तो मर्द को यानी शौहर को चाहिए कि वो अपने भाई से या इस किस्म के रिश्ते से लड़की को गोद ले, ताकि इसका खुद का उससे पर्दे वाला मामला ना हो, क्योंकि चाचा का फिर भतीजी के साथ निकाह नहीं हो सकता, तो वहाँ आसानी होगी। और अगर इसके अपोजिट होगा, मसलन ये कि किसी ने, मर्द ने अपनी भतीजी को यानी भतीजे को गोद लिया, अगर भतीजे को गोद लिया यानी भाई के बेटे को,
तो भाई के बेटे का फिर अपनी जो गोद ली हुई वालिदा हैं यानी कि इसकी चाची, बड़े होने के बाद, बालिग होने से बाद फिर इनका आपस में पर्दा हो जाएगा, तो एक घर में रहकर पर्दे के जो है ना वो तकाजे पूरे नहीं हो सकते। तो गोद लेने में ये ध्यान रखें कि लड़का है तो कोई ऐसी यानी इस जराए से लड़के को लिया जाए कि उसकी बीवी के लिए यानी गोद लेने वाली औरत के लिए पर्दे के मसाइल ना हो, और अगर लड़की लेनी है तो उस आदमी के लिए जो कि इसका मुंह बोला बाप होगा उसके लिए पर्दे के मसाइल ना हो। और फ़कत इतना कहने से कि ये माँ बाप होंगे या वालिदैन होंगे और बच्चे इसमें ज़्यादा ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये सब उर्फी बातें हैं, केवल लफ्जी बातें हैं, शरीयत इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अब जैसा कि सवाल है कि तन्हा औरत है और तन्हा औरत गोद लेना चाहती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तन्हा औरत है तो किसी लड़की को गोद ले सकती है, गोद लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब लड़की को गोद लेगी तो आपस में पर्दे के तकाजे नहीं होंगे। बाकी जिस मुल्क का मामला हो वो अपने अपने मुल्क के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया को भी जो है ना पूरा कर ले, डॉक्यूमेंट्री जो भी है या डॉक्यूमेंटेशन को कम्प्लीट करे, ताकि आगे चल के कोई मामला जो है वो इस तरह का पेश ना आए। तो ये सब मामले हो, और कोशिश करें किसी ऐसे बच्चे को ले कि जिनके वालिदैन दुनिया में ना हो, उसका कोई ना हो, यानी आम जुबान में जिसको यतीम कहते हैं, छोटेपन में गोद ले 2 या 3 साल या 3 या 4 साल में, ताकि वो बचपन से ही रहे, तो मामला उसके लिए मोहब्बत भी आसान हो जाए। क्योंकि बड़े को गोद लेने में मामला कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10-12 साल के बेटे को किसी ने फैमिली ने गोद लिया और बाद में जब वो बड़ा हुआ तो फैमिली का माल समेट के जो है वो चोरी करके यानी निकल गए। इस तरह से बच्चों को ट्रेन भी किए जाते हैं, लोगों को शायद ये चीज़ मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह बच्चों को ट्रेन भी किया जाता है कि अगर आप कहीं ऊंची यानी पैसे वाली फर्म होगी आपको गोद लेंगे तो भेज देंगे, और फिर आगे इन्फॉर्मेशन दे करिए इस तरीके का मामला लेकर। और फिर बच्चे को ज़ाती तौर से भी ऐसा होता है कि कहीं वो उसने माहौल में ऐसा देखा ही नहीं होता, इतना ऊंचा घर, खाना पीना, अच्छी चीज़ सब मिल रही होती है, तो वो थोड़ा लालच में भी आ जाता है, तो बच्चों को फिर ये चोरी वगैरह का मामला होता है। तो इसका भी ख्याल रखें कि बच्चे को ऐसी उम्र में गोद लें कि वो छोटा हो थोड़ा, ताकि उसको शुरू से ही आपके साथ थोड़ा वो हिल जाए और मोहब्बत उसकी हो, ताकि छोड़ के भी ना जा सके और दूसरा कोई ऐसा मामला भी वो ना कर सके। बाकी औरत गोद लेना चाहे, कानूनी कार्रवाई या डॉक्यूमेंट्री जो उसको पूरी करनी है वो कंप्लीट कर ले, औरत है तो लड़की को गोद ले ले और उसको रख सकती है। बाकी के मामले सब वही होंगे, खाना खिलाना, कपड़ा वगैरह, वो सब जो सब उससे वाकिफ ही हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। गोद लेने में कपल को आपस में एक दूसरे के पर्दे का ख्याल, और उनके अगर पहले से बच्चे हैं तो उनके आपस में बच्चों के पर्दे का ख्याल।